सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान बहुत ज्यादा मायूस है, हरियाणा का तो बहुत ज्यादा ही मायूस है। जाट बेल्ट जेजेपी को ज्यादा गए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा नहीं, को बढ़िया काम नहीं बने जी, नहीं बने, नहीं बने। वोट तो कांग्रेस ने देंगे, कांग्रेस को दोगे। अब आपको रोडों पर एक बच्चा भी रेस मरता हुआ नहीं मिलता होगा। प्राइवेट सेक्टर में जाके 10-15 हजार में घर तो नहीं चलेगा, ये भी तो कारण है। इसी कारण खेती करा हूँ। आज हमारे गांव का सरकारी स्कूल, उस स्कूल में मैं गया, 1 से 5 क्लास तक एक ही टीचर है केवल। अब एक टीचर 5 क्लास तक कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? तेल मिलन लाग रहा, चन्नी मिलन लाग रही, गेहूँ मिलन लाग रही। हमारी कोई इज्जत नहीं थी राजपूतों की। अच्छा, इतनी राजपूतों की इज्जत अब शुरू हुई यहाँ हरियाणा में? तो ये खट्टर सरकार की वजह से, ठीक है, खट्टर सरकार के बीजेपी तो मतलब हाँ। पानी कड़ा हुआ डिग्गी में जोड़गा, पानी कड़ा जोड़गा निकास दिखा देंगे ना, उसमें तो बताऊँ मैं इस पानी पियो तो बीमार होने लग रही है। सही बात, हर बच्चा बच्चा के जुबान पे आज कांग्रेस कांग्रेस हो रही है। ये तो यहाँ प्रदीप नरवाल का प्रोग्राम था, तो आप लोगों को अगर देखते ना तो आपको यकीन हो जाता, इतने लोग आए हुए थे और इतना भीड़ थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सीसीए में आपका स्वागत है। अपने हरियाणा के चुनावी सफर में अभी हम पूर गांव में हैं, पहला गांव है जहां पर अभी हम हरियाणा के लोगों से बात करेंगे चुनाव के बारे में। पूर गांव ये भवानी खेड़ा विधानसभा में है, भवानी खेड़ा एक एससी रिजर्व सीट है। और अभी जिस गांव में हम हैं, पूर गांव में, यहां लगभग एक मिक्स कई सारी बिरादरियां हैं इस गाँव में। जाट भी हैं, अहीर भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, अलग अलग समाज से यहाँ पर लोग हैं। और इस बार यहाँ पर भाजपा से कपूर वाल्मीकि जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के युवा नेता प्रदीप नरवाल, जेएनयू के छात्र नेता हुआ करते थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं इस बार कांग्रेस से। आइए गांव से पता करते हैं। पिछली बार मैं आपको बता दूं यहाँ पर भाजपा जीती थी लगभग 11,000 वोटों से। पता करते हैं इस बार का भी माहौल कैसा है, क्या पिछली बार की तरह लगभग एक तरफा है या टक्कर है या कांग्रेस का भारी हाथ है, आइए बात करते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम हुआ जी आपका? राजेश। हाँ जी, राजेश। राजेश जी क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ भाई। किसान है आप, ये बताइए 5 साल कैसे रहे हैं आप किसानों के लिए सरकार के? 10 साल हो गए अब तो खट्टर सरकार के, मोदी सरकार के भी 10 साल हो गए, आप लोग के लिए कैसे रहे हैं किसानों? नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं आया हमारे पास। किसान बहुत ज़्यादा मायूस है, हरियाणा का तो बहुत ज़्यादा ही मायूस है। इसके लिए सरकार ने कोई विशेष प्रबंध नहीं किए, ना ही कोई मान ले किसानी में धरने वगैरह हुए तो उनमें जो मांगे आप रखी गई थी वो कोई मांग पूरी नहीं की गई, कोई MSP वगैरह की कोई मांग सरकार ने कोई पूरी नहीं की। अच्छा, 13 महीने का बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, उसमें आपने भी हिस्सा लिया था? हाँ, लिया था, लिया था। उसका, उस किसान आंदोलन का असर इस बार चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। किस तरीके से? हर एंगल से लेते, आम आदमी की इससे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, किसान आंदोलन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसान मायूस होया है तो बीजेपी का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। पिछली बार कहाँ वोट किया था आपने? कांग्रेस को ही किया था। इस बार भी कांग्रेस को ही, कांग्रेस को ही करेंगे। आपको उम्मीद है अगर हुड्डा सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी, तो क्या जो MSP, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमने यहाँ हरियाणा में 14 फसलों पर MSP कर दी है, आपको नहीं महसूस हुआ उसका कोई फर्क? नहीं, बस क्या हवा में ही बात कर रहे हैं सर? हवा में बात कर रही है अब तक, लागू कोई नहीं, कागजों में कुछ नहीं लागू हुआ। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ये गांव मिक्स गांव है, अलग अलग बिरादरियाँ हैं, क्या बिरादरियों में भी वोट बटे हुए हैं या मतलब कुछ बिरादरियाँ एक तरफ जा रही हैं, बिरादरियों के अंदर भी वोट बटे हुए हैं? यह बिरादरियाँ तो खैर बटी हुई हैं, जैसे ब्राह्मण का वोट जाता है 80-90% बीजेपी को जाता है। अच्छा, जाटों का जाता है 80-90% तो कांग्रेस को जाता है। तो पिछली बार भी गया था या जजपा को भी गया था पिछली बार? जजपा को ज़्यादा गया, जाट बेल्ट जेजेपी को ज़्यादा गए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा? इस बार ऐसा नहीं। ये जो यहाँ उम्मीदवार हैं प्रदीप नरवाल, ये इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कांग्रेस को आप वोट कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अनूप जी के बारे में नहीं पूछ रहा क्योंकि आप तो उधर वोट कर ही नहीं रहे हैं, ये प्रदीप नरवाल जी के बारे में आपको क्या लग रहा है? भाई युवा नेता है, देखो अब तक तो इसका कोई रिजल्ट तो है, ये है नहीं कि भाई इसकी से कोई किसी की भी हल्के में जान पहचान हो, ये तो ऊपर से टिकट लेके आया है, वोट तो वैसे पार्टी की होती है ना, पार्टी के नाम पर है, उड्डा से उड्डा के संपर्क में जाता है। आइए और लोगों से भी बात करते हैं।
राम राम जी। तो क्या नाम हुआ अपना? पाले राम। पाले राम जी, क्या करे हो पाले राम जी? बस ये जमींदार आए। जमींदार आए तो आप भी बताओ, 10 साल आपके भाजपा की सरकार के हो गए, खट्टर की थी, अब तो नायब सिंह सैनी जी की है, पहले खट्टर जी की थी, ज़्यादातर तो उन्हीं की रही है, और मोदी जी के भी 10 साल रहे हैं, जमींदार आए, कैसे रहे हैं 10 साल आपके लिए? कोई बढ़िया काम नहीं बने जी। नहीं बने? नहीं बने। क्यों लग रहा है बढ़िया नहीं बनी? क्यों नुए नहीं बने के कैसे कि करे है कि नहीं? हाँ आधे टब्बर जो आर्डर रहनी है तो विदेश में चले गए, इतनी बेरोजगारी होगी, विदेश भी जा रहे, हर जगह जा रहे नौकरी के चक्कर। हाँ, जिब्बे तो पता लग रहा। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पर आपको लग रहा है कि इस बार सरकारी नौकरियां क्या खुली हैं जितना पहले खुलती थी या कम हुई हैं? एक भी कौन तू बता देना जो एक भी खुली हो तो नहीं लग रही गाँव। एक भी नहीं। अच्छा तभी बच्चे बाहर जा रहे हैं तो क्या करें दोबारा? भूखे मर्दे जी पालने गए हैं। वोट किधर दे रहे? तो वोट तो कांग्रेस ने देंगे। कांग्रेस को दोगे? पिछली बार कहाँ दिए थे? देवे मां कांग्रेस ने आरो या जीतो। अच्छा देंगे कांग्रेस को। ठीक वो तो इनका कर्म से। ठीक है चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ जी राम, चलिए मैं बैठ जाता हूँ आपके साथ। हरियाणा की पहचान हुक्के के साथ, हम भी साथ बैठेंगे अभी। जी बताइए क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? अपना नाम बताइए पहले। नाम दीपक है जी मेरा। दीपक जी क्या करते हो? खेती करो। खेती करते हो। दीपक नौजवान हो किसान हो, ये बताओ 10 साल यहाँ राज्य में भी और 10 साल केंद्र में भी भाजपा की सरकारें रही हैं, किसानों के लिए कैसे रहे हैं और नौजवानों के लिए कैसी रही है सरकार? किसानों खातर तो बढ़िया कौन रही जी सरकार? हाँ जी किसानों के लिए बढ़िया नहीं रही सरकार। बढ़िया नहीं रही, ठीक है। और गांव में फैमिली आईडी और फसल बेचने के लिए फसल ऑनलाइन करानी अनपढ़ व्यक्ति के बस की बात है नहीं जी। हमारे वर्ग का नौजवान तो करवा लेता फसल ऑनलाइन, फिर उसको बेचने में दिक्कत आती है, चाचों को दिक्कत आ रही है। और फैमिली आईडी में अगर किसी के घर एक व्यक्ति है तो उससे एक कागज पूरे नहीं हो रही भाई साहब, इतनी समस्या आ रही है। तो यहाँ पर नाराजगी है लोगों में, किसानों तो खासकर नाराजगी है। अच्छा आप नौजवान भी हो दीपक, सरकारी नौकरियां वगैरह या वैसे ही रोजगार कितना खुला है हरियाणा में वैसे? क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हरियाणा में आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो उसमें कुछ सुधार आया पिछले सालों में? बड़ी है जी। बड़ी है। बड़ी है। सर अच्छा अग्निवीर के चलते यहाँ पर क्या नौजवान हताश हुए हैं? हताश हुए हैं बिल्कुल। अब आपको रोडों पर एक बच्चा भी रेस मरता हुआ नहीं मिलता होगा, हमारे गांव में बहुत बच्चे प्रैक्टिस करते थे, अब एक बच्चा भी नहीं। हम लोग भी पश्चिम यूपी से हैं, वहाँ पर भी बहुत बच्चे दिन भर प्रैक्टिस करते थे सड़कों पर, और अब अग्निवीर के बाद बंद ही हो गया है। तो ये हिसाब आप कह रहे हो इधर भी हरियाणा में? हरियाणा में भी कोई नहीं जाना? कोई नहीं जा। पिछली बार कहाँ वोट करी थी दीपक? कांग्रेस को। कांग्रेस को। और इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को। मन नहीं बदल रहा ना? चलिए आपसे भी बात करते हैं साहब। क्या ना आप बैठी बिठाई दिया है आपने, थोड़ी सी तो बात करें। नाम बताइए। नवीन। नाम भाई साहब। नवीन जी क्या कर रहे हो? खेती है भाई साहब। आपकी भी खेती है? आपके भी यही शिकायतें हैं या आपको लग रहा है कि ठीक रहे 10 साल? ना हमारे वोट कांग्रेस ने भाई साहब। आपकी भी वोट कांग्रेस ने? अच्छा रोजगार है तो खेती मजबूरी है भाई साहब करनी, प्राइवेट सेक्टर में जाके 10-15 हज़ार में घर तो नहीं चलेगा, ये भी तो कारण है, इसी कारण खेती करा हूँ, यही मैंने कारण है भाई साहब। 100 किलो ही खेती करे हो भाई, अकेला आपके खाते में अगर फसल ऑनलाइन करा दे तो फिर बैंक में टैक्स लगने की दिक्कत रहे है, कई डाल की समस्या है ना। पहला हुड्डा राज में कदे फसल ऑनलाइन चक्कर था, सीधे 38 रुपये मिल जाया करते भाई साहब, ये बहुत समस्या है। कैश को नहीं कुआं, बैंक में कुआं, बहुत घनी समस्या है। जमींदार के लिए कुआं खाद नहीं है, या घर के किले को ठेके के किले हैं, अगला कैश मांगे है, तो यही समस्या है। एक इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है कि जब ये 3 कृषि कानून आए थे तो सरकार ये कह रही थी कि नहीं हम आड़ती को हटा देंगे ताकि किसान सीधा सीधा वहाँ से, लेकिन ये बता रहे हैं कि आड़ती के हटने से कितनी दिक्कतें हो रही हैं, ये हमारे काम चल रहा है कौन उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है कि जो सरकार बार बार कहती थी नहीं ये तो कानून से आड़ती हट जाएंगे किसान का फायदा होगा, किसानों ने तब भी कहा था कि आड़तियों के बिना एक्चुअली हमारा काम करना बहुत मुश्किल है। और ये सुनिए अब जहाँ से आड़तियों को हटाया जा रहा है, जिनके साथ किसानों का रोजाना का रिश्ता था, जिसको हटाया जा रहा है, अब सुनिए आप क्या किस किस्म की दिक्कत हो रही है। सर एक बात बताओ, अगर पैदा नहीं होती तो गवर्नमेंट मुआवजा साल भर नहीं करती, अगली फसल के लिए खाद या दवाई लानी पड़ती है तो आड़ती ही देगा ना, तो आड़ती को हटा दे तो फिर कहाँ से आएगा ये बताओ। एडवांस चाहिए जो भी घर चलाने के लिए जो चाहिए तो कहाँ से आएगा बताओ।
ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जो लोग खेती से जुड़े नहीं हैं उनको लगता है कि हाँ ये बीच वाले को हटा रहे हैं, आढ़ती को हटा रहे हैं, लेकिन आढ़ती का एक बड़ा एक बहुत गहरा रिश्ता होता है किसानों के साथ। यहाँ ऐसा नहीं है जिस तरह से प्रदर्शित किया जाता है मुख्य धारा की मीडिया में, जिसको आज गोदी मीडिया बोला जाता है। जी आप कुछ कह रहे थे कि मैंने रोक दिया। यह बात सही है भाई साहब, आढ़ती बिना जमींदार का काम नहीं चलेगा, लेकिन यह गवर्नमेंट इन हटाव है तो जमींदार परेशानी में है, यही मेन कारण है। हम सरकार की स्कीम है फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम में लगे हुए थे, हाँ। और सरकार ने हटा दिया। हटा क्यों दिया? हटा सरकार ने ऐसा बोला कि हमारे पास बजट का खर्चा बढ़ रहा है। अच्छा। और जिसके प्रति हम मीडिया क्या था जी, सरकार के अंदर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही बना था मैं। तो अभी क्या बेरोजगार हूँ आप? फिलहाल बेरोजगार हूँ और बीटेक एग्रीकल्चर से हूँ मैं, कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, बीटेक भी किया है और एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर से हूँ, फिलहाल बेरोजगार हूँ। सरकार क्या कहती है, हमने ये कर दिया। सरकार ने ग्रुप डी में जो कर्मचारी लगाए हैं वो ग्रुप डी में लगाए, वो एमएससी बीएससी पीएचडी होल्डर बच्चे लगाए हैं। सरकार ने प्रशासन ने क्लास ए में क्यों नहीं लगाए, सोचने का विषय है ये। और सीटी को इसने 4 साल घुमा दिया लगातार, इन्हें हर साल भर्ती नहीं, इलेक्शन 5 साल के बाद कराते हैं तो सीटी हर साल क्यों नहीं कराते? इन्हें जेबीटी भर्ती करी थी, जेबीटी के बाद दोबारा भर्ती क्यों नहीं करी जेबीटी की? मेन कारण इसका, आज हमारे गांव का सरकारी स्कूल, उस स्कूल में मैं गया 1 से 5 क्लास तक एक ही टीचर है केवल। अब एक टीचर 5 क्लास तक कैसे पढ़ाएगा बच्चों को, सोचने का विषय है। एक टीचर कितनी क्लासों के लिए? 5 क्लास के लिए। 5 क्लास के लिए एक ही टीचर है मेरे गांव में, जबकि मेरे गांव की पॉपुलेशन 7.5 हजार वोट है। बीजेपी सरकार में जो कर्मचारी है ना वो बहुत ज्यादा वो खा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर डिपार्टमेंट में मैन खम यह भी है सरकार के द्वारा, मतलब उनके मॉनिटरिंग नहीं की जा रही भाई कौन क्या कर रहा है। आज से थल्ला मारी बैठे हैं जो पहले कर्फ्यू लगे हुए हैं ना ऑलरेडी, वही मतलब सिस्टम को एंकर रहे हैं। बीजेपी सरकार में यह नहीं एक मतलब वो है, और एक बेरोजगारी मैन मुद्दा बना हुआ हरियाणा में, और इस सरकार के लिए हर साल भर्ती न करने का मैन कारण था बेरोजगारी का। और किसानों के मुद्दे में जो कहते हैं आत्महत्या कर रहे हैं किसान, सरकार के द्वारा समय समय पर सब्सिडी न देने का मेन कारण है, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारी नहीं है। अब एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट हैं बंदे जो कृषि विश्वविद्यालय से पास आउट हैं वो तो बेरोजगार हैं, और हरियाणा सरकार में बीए किए हुए बच्चों जो जनरल आर्ट से बीए करे उन्होंने सुपरवाइजर लगा रखा है, अब वो बंदा कैसे एग्रीकल्चर की जानकारी दे सकता है? मेरे को सोचने का विषय है, ये पूरे हरियाणा में चैलेंज की बात है कि जो बंदा बीए करके आ गया, आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ के आ गया, उसने खेती के बारे में क्या पढ़ा है? और सुपरवाइजर लगा रखा है सरकार ने, और मैंने आधे से ज्यादा ऐसे कर्मचारी देखे हैं जो किसी एमएलए एमपी के जानकार हैं। तो आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार के चलते या जान पहचान के चलते उनको नौकरियां दी गई हैं, और वो सारे बच्चे बेरोजगार बीए पास आउट हैं। फिर पिछले 5 सालों में या 10 साल हो गए अब तो इनकी सरकार को, कितनी यहाँ पर सरकारी नौकरियां खुलना हुड्डा सरकार के मुकाबले बढ़ी हैं कम हुई हैं? यहाँ पर इस सरकार में ग्रुप डी में लगे मेरे कर्मचारी यहाँ से लगभग लगे 40 के आसपास मेरे गांव के कर्मचारी लगे हैं 40 कर्मचारी लगे हैं, और बिल्कुल फेर लगे, मैं नहीं कहता पैसे देख, बिल्कुल फेर लगे हैं गरीब घर के जो कभी रोजगार नहीं लगने थे, लेकिन ग्रुप डी में लगे हैं। मैं सरकार से यही गुजारिश, जो क्लास आपने ग्रुप डी लगाए हैं उसी तरह हमारे क्लास ए और क्लास बी में भी लगाओ। अच्छा, क्लास ए और क्लास बी नहीं खुल रही, ग्रुप डी खुल रही है? केवल ग्रुप डी दिया उन्होंने, आप इसमें लगाए हैं उनसे सोचते हैं बड़ा काम कराए, बड़ा काम नहीं कर सकते वो काम, मतलब क्लास डी वाला डी का काम करेगा, डी वाला ए का काम क्यों करेगा? डी का ए का उन्होंने लगाया नहीं अब तक, इस सरकार ने ये नहीं लगाया, तो वैकेंसीज अभी भी हैं और भर नहीं जाए सरकार के ऊपर, और सीटी को उन्होंने लंबा खा दिया मेन कारण बेरोजगारी का, सरकार का दोबारा ना आने का मेन कारण ये रहेगा। तो आपको लग रहा है सरकार वापस नहीं आ रही? वापस नहीं आएगी, क्योंकि जो पढ़ा लिखा लोग समझ गया आपने, क्योंकि इशारे में नहीं काफी स्पष्ट रूप से कह दिया। थैंक यू मुकेश, आगे भी लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, थैंक यू जी, धन्यवाद जी। आगे चलते हैं, और किससे बात कर सकते? कहाँ? राम राम जी, बात करेंगे जी 2 मिनट। हाँ बतलाया ही हूँ जी, बैठे रहो भाई साहब, बैठे रहिए, नहीं बैठे रहो कोई नहीं, अरे कुर्सी का ही सारा खेल है, वहाँ से नहीं उठाते हम कुर्सी से किसी को, आइए बैठिए आप। चलिए, नहीं मैं ना फिर चलते चलते बात कर लूँगा, कोई नहीं। अच्छा, नाम क्या हुआ जी आपका? रविंद्र भाई साहब। रविंदर जी आप क्या करें, खेती करते हैं जमींदार? खेती कर रहा हूँ भाई। चलिए बताइए, आप खेती करते हैं जमींदार हैं, 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, केंद्र में भी और आपके हरियाणा में भी, कैसे रहे हैं 10 साल आप जमींदारों के लिए, किसानों के लिए कैसे रहे हैं? बढ़िया है भाई। अच्छा, हाँ थोड़ा सा बताइए बढ़िया क्यों रहे? बढ़िया भाई, आड़ मार दौर तो ठीक पानी आओ है। अच्छा भाई, ठीक काम चल रहा, भाव भी ठीक मिले हैं, अच्छे सुथरे भाव मिले हैं जिनिस के, जो कर धान भी चला भाई 5 हजार बिक गए थे, कपास 8-8.5 हजार। क्या उगा रहे हैं? धान थे जो, धान बिक गई आपके? हाँ ठीक है, रेट ठीक मिले? हाँ रेट बढ़िया था भाई। अरे भाई अच्छे, ये भाई किम में करया कौन था फिर, जो खसद पीछे आए गए भाई, फसल होगी रपिया आएगी।
वहाँ तो लोग काफी नाराज लग रहे थे जो किसान थे, उनका कुछ और कहना था सरकार पे? वो सरकार वो भाई कांग्रेस वाले होंगे भाई, वो ना तो फिर आप भाजपा वाले? हाँ बिल्कुल। अच्छा तो कोई काम पर, अच्छा काम पसंद है या नहीं पसंद है या पार्टी पर निर्भर है ना कि एक्चुअली काम पर निर्भर ये जो कहना चाहिए? टाबर पंचायत टाबर पढ़ रहे थे भाई, अच्छे ऊँ हंड थे भाई, देन नमार बगे में था कोई नहीं। चलिए एक चीज बताइए, वैसे सरकार आंदे खस दी लगी, आप कह रहे हो कि भाई नौजवान हंडे थे, नौकरी लग गई, लेकिन सच बात तो ये है कि हरियाणा में बेरोजगारी का दर आज के दौर में देश में सबसे ऊंचा दर है सारे राज्यों में। 10 सालों में बेरोजगारी हरियाणा में जो है शायद किसी और राज्य में इतनी नहीं है। हाँ तो फिर आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि नौजवानों का काम लग गया जो इधर घूमते फिरते थे, ये कितना सच है? लेकिन बेरोजगारी के सवाल पर कितना काम हुआ? बेरोजगारी तो उनमें भी इतनी रहनी है, लेकिन उस मन हुआ भाई उन भाई रुपये दो नौकरी लायक जाओ, रुपये देने का तो हमारे पर कोई नहीं मान दो। आप कह रहे हो ईमानदारी हो रही है? हाँ रुपये देने का तो हमारे पर कोई नहीं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर ईमानदारी से हो रहा है तो फिर तो भर्तियां और होनी चाहिए थी ना जितनी जो, लेकिन जो इस बार हम देख रहे हैं लग रही रहे। अच्छा फोन लग रही, ठीक है, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी की कितनी लगी हैं पिछले सालों में आपके गाँव में? ग्रुप डी की तो लगी है, ग्रुप डी के, ग्रुप डी की तो लगी है, ग्रुप बी के तो कई, ग्रुप ए और बी की कितनी लगी है मैं पूछ रहा हूँ? बद इतना क्या ना पियान को नहीं अभी जमींदार। हाँ लगे हैं, ठीक है। मैं अगर पूछ सकूँ, वैसे यहाँ पर बिरादरियों के आधार पर भी वोट बटे हुए हैं गाँव में? ना तो खेचे हैं, सही देव हैं। अच्छा तो जैसे यहाँ पर अभी ज्यादा कौन सी बिरादरी के लोग बैठे? राजपूत। हाँ आप राजपूत हैं, तो राजपूत पहले से ही बीजेपी को वोट करें आ रहे हैं? हाँ इस बार भी 20 साल हो गए, कहीं और नहीं करते यार? हाँ, वैसे कैंडिडेट कैसा लग रहा है आपको जो बीजेपी ने दिया? बढ़िया है, बढ़िया, ईमानदार है बिल्कुल। आप कैंडिडेट देख कर करते हैं या पार्टी देख? नहीं हमने तो पार्टी से वोट देने, पार्टी देख कर वोट किया। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, आप ही के बगल में पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हम लोग वहाँ काम करते हैं ज़्यादा, वहाँ पर राजपूत समाज ने बगावत कर दी थी अभी 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ, बड़ी बड़ी पंचायतें कर दी जिससे नुकसान भी बहुत हुआ, भाजपा बहुत सारी सीटें हार गई उस चक्कर में। वो क्यों बगावत हुई भाई? आपके भी रिश्तेदार दोस्त होंगे उधर, कुछ तो बताइए जी। ताऊ क्या ताऊ बताइए? भाई मैं खटा खट रहा हूँ, उसके लिए बगावत करी थी। किसके लिए बगावत? में समझा नहीं जरा बताइए। अरे राहुल ने बोला 9,000 रुपये 8,500 रुपये फटाफट आएंगे। अच्छा बगावत? हाँ जी उसके लिए। मोदी सरकार ने कोई कसर कौन छोड़ रखी भाई साहब, समझ गया? अरे 6,000 तो साल में रुपये फकन लाग रहा, क्यों भाई? क्या सरकार जमींदार के लिए कर रहा है? गेहूँ का कोटा बन तो तेल मिलन लाग रहा, चीनी मिलन लाग रही, गेहूँ मिलन लाग रहे, सारी चीजा की मौज कर रखी है भाई साहब। मेरे तक थोड़ी बोई बहुत हुई है, पहले क्या नहीं होती थी? हमारी कोई इज्जत नहीं थी राजपूतों की। अच्छा इतनी राजपूतों की इज्जत अब शुरू? यहाँ हरियाणा में तो ये है, खट्टर सरकार की वजह से। ठीक है खट्टर सरकार के मतलब बीजेपी तो मतलब, हाँ सीधी बात ये है। ठीक है इसमें हमारे रिश्ते जो पिछले 10 साल जो गए हैं सरकार के 9-10 साल, इसमें हमारे रिश्तेदारों के भी और वही हमारे भी खूब बालक नौकरी लगे, खूब लगे हैं, मजाक नहीं है इस बात में, बिल्कुल हकीकत है। आप कह रहे हैं तो लगी होंगी, बिल्कुल है, तो सुन ही रहा हूँ आपकी बात। हमारे बहुत बढ़िया वो यार जब भी दिया हाँ भाई वोट इसमें के वो। चलिए आप देख सकते हैं गांव में बहुत बटा हुआ माहौल है, उधर लगभग सारी वोटें भाजपा के खिलाफ थी, इधर लगभग सारी वोटें भाजपा के साथ हैं। आगे चलते हैं कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। हमारे दर्शकों को कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा, पूर्गाँव में काफ़ी हद तक वोट बटी हुई लग रही है, बिरादरियों के हिसाब से भी काफ़ी बटी हुई लग रही है। यहाँ पर भी कुछ और लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम हुआ जी आपका? सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी क्या कर रहे हो? खेती करते हैं। खेती करते हैं। कितनी ज़मीन है अपनी? अपने 11 एकड़। 11 एकड़। तो ये बताइए सत्यनारायण जी, 10 साल हो गए हैं सरकार को, केंद्र में भी और राज्य में भी, यहाँ तो बीजेपी की रही है 10 साल, आप किसानों के लिए कैसे रहे हैं 10 साल? किसानों के लिए तो भाई बहुत बुरे रहे हैं, किसानों का तो लठ लग गए हैं, आपने देखा है बड़ा आंदोलन, बड़ा आंदोलन हुआ है बीजेपी के खिलाफ है सारे, कांग्रेस को चाहते हैं लोग।
ये पिछली बार भी आप बीजेपी के खिलाफ थे या अभी आंदोलन के बाद और गुस्सा हुआ? आंदोलन के बाद ही बड़े आता था। अच्छा, यहाँ गांव में जैसे जमींदार खास करके अगर जो जाट समाज से जो हैं वो पिछली बार जेजेपी की तरफ ज़्यादा थे या कांग्रेस की तरफ ज़्यादा थे? इधर पहले जेजेपी के साथ था, जेजेपी को अब छोड़ दिया बीजेपी के साथ मिलने से, हाँ अब कांग्रेस के साथ हैं सब। दर्शकों को बता दूं, ये एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, पिछली बार इस सीट से 22,000 वोट जेजेपी को मिली थी, लेकिन क्योंकि जेजेपी का गठबंधन पूरे किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार के साथ रहा तो बहुत सारे किसान जो जेजेपी के साथ थे वो अब टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ी सी तो ये बताइए, लेकिन थोड़ा सा जो समझ आ रहा कि जमींदार जो है इतने बड़े आंदोलन के बाद भी जातियों में बटा हुआ है, आपके गांव में जो नज़र आ रहा कि ब्राह्मण राजपूत अगर ज़मींदार है तो वो भाजपा कर रहा, जाट ज़मींदार है तो वो कांग्रेस की बात कर रहा, इतने बड़े आंदोलन के बाद भी जमींदार क्यों अभी भी जाति में बटा हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं, आज नरवाल साहब के प्रोग्राम है 22 हर एक जाति में, तो ऐसी बटे वाली कोई बात नहीं है। 36 बिरादरी, 36 बिरादरी में प्रोग्राम, आज ब्राह्मणों में भी प्रोग्राम है, नाइया में भी हैं, ठाकरों में हैं, कई जगह प्रोग्राम। नहीं, प्रोग्राम तो हर जगह है, मैं वोट की बात कर रहा, जैसे वोट इसी तरह आएगा। आपको लग रहा है टूटेंगे? बिल्कुल टूटेंगे, बीजेपी के साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है जी, तो क्या नाम हुआ अपना? करसन नाम है भाई। दर्शन जी, करसन, करसन, करसन जी, आप भी किसान हैं? किसान है। आपकी भी यही शिकायतें हैं 10 सालों की, आपको लग रहा अच्छा रहे सरकार किसानों के लिए? ना, सब तो बुरी रहे है, सब तो बुरी है। अच्छा, पीछे वहाँ पर जैसे राजपूत किसान बैठे हैं वो तो बहुत तारीफ कर रहे, कह रहे 5,000 रुपए में हमारी धान बिक गई, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। दो किसी को क्या है बोलना नहीं आता। हाँ जी, ये मेरे से ये पूछनी नहीं, मेरी जाति क्या है, मैं किसका वोट दूं, सिर्फ अपनी व्याख्या जो हकीकत है वो व्यक्त करनी है, बस सीधी सी बात यही होती है कि मैं वोटर हूँ, मान लो आप बीजेपी का हूँ या कांग्रेस का हूँ, मैं उसकी तारीफ करूँ वो करूँ, ये बागों में बटे बटना क्या चीज होता है, यही चीज होती है। आप कह रहे हो लोग मुद्दे नहीं देख रहे, बस अपनी पार्टी के हिसाब से, पार्टी के साथ मुद्दे नहीं देख रहे जी। तो क्या 5 रुपया 12 रुपया वो को नहीं बता दे, ये 19 रुपया 24 रुपया 5 तला पहली क्वालिटी पकड़ दे, छोटड़ी को नहीं पकड़ दे किमी बात को नहीं, वो अच्छा नहीं करा जमींदार है, ये ना पानिया नहर में ना और बाकी परेशान है परेशान। हाँ बेटी, तो यहाँ अलग अलग बिरादरी के लोग हैं सर? यार अलग अलग है, ये हरिजन भाई भी है, यो भाई राजपूत है, यो दास है, वही बैठे दास है, यो ठाकर है, यो ठाकर है, सारे यार तो इन्ने का मौल है। चलिए आपसे बात करते हैं, ताऊ आपका नाम क्या हुआ जी? अशोक, अशोक जी, जी तंवर जी, अशोक तंवर जी। अच्छा अशोक तंवर जी, ये बताइए कैसे रहे हैं इस सरकार के, आप भी जमींदार ही हैं मुझे लगता है, किसान? हाँ किसान है। किसानों के लिए आपके हिसाब से कैसे रहे हैं सर? कैसे नहीं, जो बीजेपी ने जो आज तक पीछे थे, आज तक दो बंडली ने इसने हमारे लिए कुछ नहीं कराया। अच्छा, जो पानी है समरसी नलके हैं जितने डिग्गी हैं सारी रद्द पड़ी है, हमारे लिए कुछ भी नहीं कराया बीजेपी ने। हुड्डा की कांग्रेस की सरकार बेहतर रही थी इस हिसाब से? कांग्रेस की कदे से हमारी बिजली आई तो कांग्रेस ने दी, ताऊ देवीलाल ने कराया जो इसने कांग्रेस ने कराया, तो हमारा आज तक बीजेपी का कोई काम नहीं हुआ। तो आप किधर पिछली बार कहाँ वोट किए थे आपने? कांग्रेस को। और इस बार भी कांग्रेस को? ठीक है, वहाँ पीछे जैसे राजपूत समाज के कुछ, आप भी राजपूत समाज से, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वहाँ तो सब बीजेपी बीजेपी का। हाँ। ये तो पार्टी अलग अलग होया करे हैं। अच्छा ठीक, यह अलग पार्टी हमारी अलग पार्टी है भाई, हार जीत तो क्रम की है, क्रम की है। ठीक ठीक है ना, ठीक है। जो बीजेपी सरकार ने आप खुले रुके हमारे पीछे रहे अब तक, इसने कुछ भी नहीं कराया, कुछ नहीं किया। 5 किलो खाद भी खा गया तो हमारा ये पानी कड़ा हुआ डिग्गी में जोड़गा, पानी कड़ा जोड़गा निकास दिखा देंगे ना, उसमें तो बताऊँ मैं इस पानी पियो तो बीमार होने लग रही है। सही बात, पीने के लिए वैसा पानी नहीं, और खाए जो जाए वैसा का बीमार हो जाए, जो इतनी गंदगी है, पानी की परेशानी बहुत ज़्यादा है, जो पीने का पानी आओ है तो ये लाइन फूट रही है, गाँव की चौगर्द की लाइन फूट रही है, तो घर न पानी आओ जो शटदा आओ है, जो लाइन छुटवा लियो आप सिफारिश है, लाइन छुटो जो पानी चेक करके देखो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, गांव-गांव में ये दिक्कत हो रही है, जोड़ में जिस तरह से पानी में गंदगी आ रही है, एक समय पर गांव की लाइफलाइन होती थी लेकिन अब
उस पानी को ये बोल रहे हैं, पशुओं को भी पीने से बीमारी हो रही है। आइए दुकान है किसी की, इनसे बात करते हैं। अमित यादव जी हैं जिनकी दुकान है। अमित जी नमस्कार। अमित जी हम थोड़ा अमित जी को दुकानदारी के बीच में हमने परेशान किया, ये बताइए आप करते क्या हैं, दुकान ही चलाते हैं या और भी? दुकान और खेती। दुकान और खेती, तो ये बताइए आपका एक छोटा कारोबार भी है और साथ में खेती भी है, तो जो छोटे व्यापारी हैं आपकी तरह जो दुकानदार हैं और साथ में जो खेती करते हैं जो किसान हैं, 10 साल सरकार उनके लिए कैसी रही है? 10 साल भाई ठीक है, घनी बात तो कोई नहीं, घनी अच्छी बात कोई नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये बताइए जैसे आपकी ये दुकान है, GST लगा बीच में, लॉकडाउन भी हुआ था, उससे आपको कितनी दिक्कतें आई हैं? दिक्कत तो घनी आई हैं भाई, बहुत परेशानी आई है। और उसकी भरपाई हो पाई है अभी तक? अभी तक ना, उसकी तो शायद उम्र भी घनी हो। तो अमित भाई पिछली बार आपका वोट किधर गया था? मैं अपना कांग्रेस को। फिर से कांग्रेस ही आपके? हाँ कांग्रेस, जिस तरह से भाई कांग्रेस है, जो करेगी वो ठीक करेगी, वह जमींदारा का हित में है। आपसे बात हो सकती है साहब 2 मिनट? क्या नाम हुआ आपका? किशन है वो। हाँ जी जोर से बोलिए। किशन, किशन, किशन जी क्या कर रहे हो? किशन जी खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो अभी ये बताइए क्या हालात हैं ये 2 एकड़ आपके, जो 2 एकड़ जमीन है, एक छोटे किसान हैं आप, ये सरकार कैसी रही है किसानों के लिए? भाई पानी तो आया कुनी नहीं आया पानी, टेबल टेबला देख रहा बस। तो अब क्या लग रहा है, चुनाव आ रहे हैं, किधर वोट करने की सोच रहे हैं? कांग्रेस में दे दी। कांग्रेस में देंगे। अच्छा पिछली बार जैसे यहाँ कांग्रेस 11,000 वोटों से हारी थी, उसमें कोई बदलाव आप लोग देख रहे हैं इस बार या लग रहा है कि हारेगी? इबके भी हारेगी। क्या नाम हुआ सर? पक्की हारेगी, पक्की हारेगी। कांग्रेस तो देशद्रोही है। देशद्रोही क्यों है साहब? ये अगले 5 साल 10 साल लेगी, देख लियो मेरा लग जाएगा। आप थोड़ा सा समझाओ मुझे क्यों देशद्रोही है? हिंदुत्व तो है ही नहीं, सिद्धि मुस्लिम है। कैसे मुस्लिम की पार्टी हुई, थोड़ा सा समझा कर देना यार। 10 साल लिया, 5 साल लिया देख लो इसने। नहीं लेकिन 55 साल तो इन्हीं की सरकार रही है यहाँ, बांग्लादेश वाला कौन सा काम हुआ है यहाँ? तो कौन पूछा करता इंडिया ने? इंडिया ने पूछा कौन करता? अब कौन मतलब कौन पूछता था इंडिया को, मैं समझना चाह रहा हूँ आपका क्या मतलब हुआ इससे? मतलब तो यो है कितने जाके देख लियो, ईब कितने भी लगा ले, युद्ध हो है तो सीधी प्लेन जा, हर भारतीय जो हनु बरकी लिया हिम्मत किसकी थी भर लिया। एक चीज बताइए, ये आप यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं? कितने की बता लेते हैं? नहीं नहीं आप कहीं से भी बात कर रहे हैं, यूक्रेन और रशिया की बात कर रहे हैं? अरे कहीं से ही। अच्छा चलिए छोड़िए, आप कह रहे हैं कहीं से भी, पता नहीं कौन से युद्ध की आप बात कर रहे हैं, आप बता भी नहीं रहे हैं कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं, फिर देशद्रोही का भी किसी ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये बताइए साहब, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस पक्का हारेगी और ये देशद्रोही है, अमित जी आपका क्या कहना है इस पर? भाई अर्जित का तो बेरा नहीं। हाँ जी अपना वोट कांग्रेस ने है भाई, अपना मानना ही हो। ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो, उसका नहीं बेरा। आपकी वोट कांग्रेस? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि देशद्रोही पार्टी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, चाचा ही नहीं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊँ। चलिए देशद्रोही और देशभक्ति की यहाँ पर बातचीत आ ही गई कहीं ना कहीं से। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं हुक्के पर, आइए इनसे बात करते हैं। राम राम जी। जी बात हो जाएगी जी 2 मिनट? चुनाव पर बात कर रहे हैं। पुरगांव में कई लोगों से बात हुई है, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, ज़रा बताइए आप क्या करते जी? तब खेती। खेती कर रहे हैं। अच्छा नाम क्या हुआ अपना? बंसी। बंसी तो ये बताओ फिर, 10 साल हो गए यहाँ तो भाजपा केंद्र में भी है और आपके राज्य में भी 10 साल हो गए, किसानों के लिए कैसी रही है सरकार? ये बहुत माड़ी, बहुत माड़ी। क्यों लग रही माड़ी? भाई हम 13 महीने तो बॉर्डर पे बैठे, मारदी कुछ नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही, मारे जमींदार आए बालक सन है, नौकरी कौन लग दे और केगा? हम तो इसलिए हरियाणा खाली हो गया जी, पूरा हरियाणा इंडिया छोड़ छोड़ के बाहर से ढूंढने लग रहा है, बाहर देशों में रोजगार ढूंढ रहा है, तो वाहियात सरकार इससे और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद गवर्नमेंट ने इजराइल जाने के लिए ऑफर कर दिया था, जो जाना चाहे वो जा सकता है, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा इस प्रदेश का? मतलब रोजगार यहाँ नहीं दे रहे, कह रहे बाहर ही चले जाओ। जी 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 बिल्कुल। लेकिन इनका तो ये दावा था कि कट्टर सरकार का ये दावा है कि हमने तो यहाँ 14 फसलों पर MSP दे दी है और जो और राज्यों में नहीं मिल रही है, या फिर ये कह रहे हैं कि हमने अब बिना रिश्वत के, अब तो खैर खट्टर सरकार नहीं रही बट ज़्यादातर तो वही रहे हैं, या बिना रिश्वत के अब यहाँ भर्तियाँ हो जाती हैं, बेलदार लगा दिए, चुपड़ासी ला दिए, डाकिये ला दिए, वो को IAS ला दिए,
ये जमींदार का बाल कर नहीं सकता। आप कह रहे ग्रुप डी की भर्तियां हुई हैं तो जी नुआ जमींदार उससे आवा हम तो डी ग्रुप में पहले कौन ला गया करता भाई एस सी क्लास ला गया करता और उसकी है ना मतलब थोड़ा दूर रखा करते ये हमने भी डी ग्रुप में लावे हैं और 14,000 रुपये तनख्वाह दे 14,000 में हमने 14,000 तो अच्छा तो अपने खेत में नौकरी कर लिया किसी मिनटी चले जावा वो अच्छे यहाँ हमने यह सरकार पसंद नहीं है। ये जो कहते हैं कि हमने 14 फसलों पर एमएसपी करी हरियाणा में इसमें कितनी सच्चाई है? आप लोग किसान हैं क्या आपको अनुभव रहा है? सच्चाई तो अब इलेक्शन के बाद सामने आ जाओगी क्योंकि हर लोग देखो हर जन दुखी है। अगर ऐसा एमएसपी और इतने जितने ये वायदे कर रहे हैं और जितना दिखा रहे हैं अगर इतना है तो फिर सरकार क्यों पलटने जा रही है? हर बच्चा बच्चा के जुबान पे आज कांग्रेस कांग्रेस हो रही है तो क्यों हो रही है? यही कारण है। अच्छा आप में से कोई है जिन्होंने पिछली बार भाजपा या जजपा को भी वोट किया हो? किसको किया था? जजपा को दिया। जजपा को दिया था। तो इस बार जजपा जो किसान आंदोलन क्योंकि आपने किसान आंदोलन की बात करी 13 महीने किसान वहाँ बॉर्डर पर रहे जजपा उस दौरान जो भाजपा के साथ खड़ी रही सरकार नहीं उन्होंने अपना गठबंधन नहीं तोड़ा उसकी कितनी नाराजगी आप जैसे वोटरों में जो जज नाराजगी है खूब जमा खूब जितनी हो ना भाई साहब उतनी नाराजगी है मारद जजपा ना हम देख के राजी नहीं मतलब तो जब्त। आप लोग जो जजपा को वोट किए थे पिछली बार क्या इस बार आप कहाँ करने की सोच रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस ओनली कांग्रेस। तो ये क्या सबकी ही राय है यहाँ? जी बिल्कुल सबकी राय है कांग्रेस ओनली कांग्रेस। फिलहाल गवर्नमेंट से हर वर्ग दुखी है वो चाहे कर्मचारी है अभी कोई अगर युवा आप है। पहले आ जाते तो यहाँ प्रदीप नरवाल का प्रोग्राम था तो आप लोगों को अगर देखते ना तो आपको यकीन हो जाता इतने लोग आए हुए थे और इतना भीड़ थी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा एक चीज़ बताइए आपके गांव में क्योंकि मिश्रित जनसंख्या है बहुत सारी बिरादरियाँ हैं हमारी बात हुई थी जाट बिरादरी से भी बात हुई राजपूतों से भी बात हुई अहीर समाज से भी बात हुई दलितों से भी बात हुई तो अलग अलग समाज से बात हुई थोड़ा सा अभी भी लगता है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी कुछ किसान आज भी जातियों के आधार पर बटा हुआ है ऐसा आपको लगता है? चुनाव में नहीं लगता ऐसा कुछ नहीं है हमारे ऐसा नहीं लगता। इस चुनाव के अंदर देखो सत्ता की विरोधी लहर है हर वर्ग दुखी है इसमें जाति कास्ट का कोई मतलब नहीं है वो चाहे कर्मचारी हो चाहे वो बेरोजगार हो चाहे वो किसान हो हर तबका दुखी है इसमें। जैसे यहाँ पर बैठे कुछ किसानों ने कहा कि मुद्दे जाति धर्म नहीं हैं मुद्दे खेती के हैं मुद्दे नौकरी के हैं मुद्दे रोज़गार के हैं किसानों मजदूरों के मुद्दे हैं। उम्मीद करते हैं यही मुद्दे हावी रहेंगे इस चुनाव में और आने वाले हर चुनाव में क्योंकि हमें लगता है कि यही मुद्दे हैं जो किसी भी देश में असली तरक्की ला सकते हैं। किसान आंदोलन का गुस्सा आप आज भी देख सकते हैं कई लोगों में कई वोटरों में देख सकते हैं। क्या रहेगा चुनावी क्या रहेगा चुनावी नतीजा ये तो अभी देखना पड़ेगा लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ अहम मुद्दे अब जाति धर्म से शायद ऊपर उठ के आ रहे हैं। जुड़े रहें CCA के साथ हरियाणा का चुनावी सफ़र अभी तो हमारा शुरू ही हुआ है आने वाले दिनों में आपके पास और भी हरियाणा से हम ज़मीनी रिपोर्ट लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।